हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चेतन शर्मा मैथ्स क्लासेस में। ठीक है, अपन ने एक टारगेट निर्धारित किया था MPSI 2020-2021। ठीक है, तो इसकी तैयारी करने के लिए अपन क्या कर रहे थे, पुरानी परीक्षाओं में MPSI ने जो पेपर लिए हैं उनको हल करने लग रहे थे। जैसा कि कल की क्लास में अपन ने किया था, 26 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था 2017 में MPSI का, वो पूरा डिस्कस किया था, जिसमें लगभग 22 से 23 सवाल पूछे गए थे। इसी प्रकार आज अपन पढ़ेंगे MPSI 2017 का पेपर, जो 27 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। 27 अक्टूबर को दो शिफ्ट में MPSI ने पेपर लिए थे, एक 9 बजे वाली शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में, एक आफ्टरनून शिफ्ट में 2 बजे वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो आज का पेपर अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि है मॉर्निंग शिफ्ट का 27 अक्टूबर का पेपर। क्लियर है? चलिए भाई, पहला सवाल आप पढ़िए समय ना खराब करते हुए, और बताइए कितना इसका आंसर निकल के आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा जल्दी से फटाफट, और बताइए कितना इसका आंसर आ रहा हो। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अपन किस तरीके से करते हैं, आपने कहीं ना कहीं से नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, नहीं तो मैंने भी नंबर सिस्टम डाल रखा है यूट्यूब पे अपने इसी चैनल पे, नंबर सिस्टम आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत गहराई में उसमें पढ़ाया गया है। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 120 है। वो कह रहा है कोई संख्या है, अगर मैं उसका 3/4 निकाल के 1/2 निकालूं तो वो किसके बराबर निकल के आता है, 120 के बराबर निकल के आता है, तो वह संख्या कौन सी होगी, संख्या पूछ रहा है। देखो, कोई संख्या तो माना वह संख्या कितनी है, एक्स है, अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। वो कह रहा है किसी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। किसी संख्या का जब आप 3/4 करोगे, उसके बाद कहा कि उसका 1/2 निकालोगे, तो वो किसके बराबर आ रहा होगा, 120, 120 के बराबर आ रहा होगा, यही बोल रहा है अपने क्वेश्चन में। तो अपन ने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 3 से जब इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 40 बार कट जाएगा पूरा पूरा। 3 चौक 12, 0, 4 दूनी 8, और 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32, तो आंसर कितना निकल के आ गया, 320। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 320 होगी। कौन सा ऑप्शन सही था आपका, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। कितना आंसर निकल के आया, 320 अपना आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऐसा सवाल कल के पेपर में भी पूछा गया था, आपको ने अगर कल की क्लास देखी हो तो आपको पता होगा कि बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस संख्याएं अलग अलग थी, उस परीक्षा में भी ये सवाल पूछा गया था। वो कह रहा है निम्न व्यंजक को हल करने के लिए संकेतों का उपयुक्त संयोजन चुनें, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो पूछ रहा है। तो पहले मैं लिख लेता हूं 16, स्टार की जगह खाली छोड़ दी, कुछ लिखना पड़ेगा, 8, स्टार की जगह खाली छोड़ दी, 1, स्टार की जगह खाली छोड़ दी, 8। क्लियर है? अब यहां पे आपको कितने ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। करने का तरीका क्या है, केवल एक ही तरीका है इस सवाल को करने का, कि ऑप्शन को पुट कर करके मैं इसका आंसर निकाल सकूं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा और वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन रख के देखा, आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा रख के देखा, तीसरा रख के देखा, चौथा रख के देखा, इनमें से कोई एक ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। अब जैसे कि अपने पास आंसर पता है कि जो दूसरा ऑप्शन है वो माइनस, डिवाइड और बराबर का है, तो पहले पहला रखते नहीं निकल के आता, फिर कौन सा रखते अपन, दूसरा रखते। तो दूसरा रखते आप पहले माइनस लगाते, फिर डिवाइड लगाते, और उसके बाद क्या निकालते, बराबर बराबर आप कर रहे होते। भाई एक बात बताओ, एक को जब आठ से भाग लग, आठ को जब एक से भाग लगाओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, काट दूं, 16 में से 8 गए तो 8 बचा, और 8 बराबर 8, अगर LHS बराबर RHS के आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या कर रहा है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर है? ऑप्शनल क्वेश्चन था, ऑप्शन से ही अपने को करके आना था पेपर में, इसके अलावा और कोई ट्रिक है ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए।
अगला सवाल पढ़िए और आंसर बताओ जल्दी से कितना आंसर आया। बेटा क्वेश्चन है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का, ठीक है। जैसा कि कल के पेपर में भी अपन ने पढ़ा था, एक क्वेश्चन किसका आया था, मेंसुरेशन का पूछा गया था, ऐसे ही आज के पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब अब एमपीएसआईबी लगभग गणित के हर टॉपिक से सवाल उठा रहा है। पहले 5-7 सवाल आया करते थे, अब हर पेपर में 20 से 25 सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब हर टॉपिक से अगर वो अलग अलग सवाल दे रहा है तो 20 से 25 टॉपिक भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे सवालों को करने के लिए। सवाल पढ़ा प्यारे बच्चों, क्या क्या है उसमें सवाल में। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। आयत क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। वो कह रहा है जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है। अगर उसकी चौड़ाई को मैं एक्स मान लूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दोगुनी होगी, 2x, ठीक है। फिर उसने कहा कि आयत का क्षेत्रफल 1250 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया। अगर अपने को रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसा कि आपको पता है लंबाई कितनी दे रखी है, 2x गुणा में चौड़ाई कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 1x। और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, 1250। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर रख दिया तो ये हो गया 2x की घात 2 बराबर 1250। इधर उधर करके मैंने लिख लिया, जब 2 से इसको काटोगे तो कट रहा होगा बेटा 625 बार। अगर एक्स स्क्वायर 625 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, रूट ऑफ 625। और 625 से कितना बाहर निकल के आ जाएगा, 25 बाहर निकल के आ जाएगा। क्या पूछ रहा था वो, लंबाई कितनी होगी। अगर x की वैल्यू 25 है तो 25 दूनी 50 क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई निकल के आ रही होगी। क्लियर है क्वेश्चन, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का सवाल था और इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अपन नहीं कर सकते थे। चलो अगला सवाल पढ़िए और करिए। क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का। जल्दी से क्वेश्चन को करिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो वो कह रहा है ए और बी ने मिलकर कोई काम 4 दिन में खत्म कर लिया, जबकि ए अकेला अगर उस काम को करता तो कितने दिन लेता, 6 दिन का समय लेता। कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। भाई दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 12। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना है, 12 है। दोनों का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या मान लेता हूं, टोटल वर्क। अगर ए और बी 12 काम करते हैं 4 दिन में, तो एक दिन में 3 काम करते होंगे और ए एक दिन में 2 काम करता होगा। अब आप कह रहे हो कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितने काम खत्म किए, 3 काम खत्म किए। ए एक दिन में कितने काम करता है, 2। तो जाहिर सी बात है कि बी के हिस्से में एक दिन में कितना काम आएगा, 1 काम आ रहा होगा। अगर बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 12 काम करने में कितने दिन लेगा, 12 days, 12 दिन ले रहा होगा और अपना आंसर आ जाएगा 12 दिन। क्लियर है। चलिए भाई सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका क्या था, बिल्कुल सही था। ये हुआ आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखो हर सवाल, ठीक है अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल आपका जो है वो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। सवाल को पढ़ के जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताइए कितना आंसर निकल के आया। क्वेश्चन है जी आपका पार्टनरशिप का। ए और बी 40,000 और 75,000 रुपए लगाकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ए और बी 40,000 और 75,000 रुपए लगाकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 वर्ष के अंत में उनको कुल 46,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। 5 साल के बाद जो उनको पैसा मिलेगा वो किसका पैसा मिलेगा, लाभ का पैसा मिलेगा।
तो दोनों को जो लाभ हो रहा है वो 46,000 रुपए का लाभ हो रहा है। इस राशि में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, 46,000 रुपए में से ए को कितने पैसे मिलेंगे वो ये पूछ रहा था। मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों लोगों ने जो पैसा निवेश किया वो बराबर बराबर समय के लिए निवेश किया? जी हाँ, दोनों ने 5-5 साल के लिए पैसा लगाया। अगर दोनों लोग 5-5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो इनको जो लाभ होगा वो उसी अनुपात में लाभ होगा जिस अनुपात में इन्होंने पैसा निवेश किया है। इन्होंने पैसा किस अनुपात में लगाया है भाई? 5 से कट गया 8 बार और 5 से कट गया 15 बार। तो इन्होंने किस अनुपात में पैसा लगाया है? 8:15 के अनुपात में। तो इनको लाभ भी कितना होगा? 8:15 का लाभ होगा। अगर ए को लाभ के 8 रुपए मिले और बी को 15 रुपए मिले तो इन दोनों को लाभ का पैसा कितना मिला? 23 रुपए। लेकिन लाभ का पैसा 23 नहीं है, कितना है? 46,000 रुपए है। 23:46,000 के बराबर है। तो 1:1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। भाई 2000 गुना ज्यादा होगा तो ए को कितना मिलेगा? 2000 गुना ज्यादा मिल रहा होगा। 2000 गुना ज्यादा मिलेगा तो कितना मिल रहा होगा? 16,000 रुपए किसको मिल रहे होंगे? ए को मिल रहे होंगे। डिटेल में जाए गए नहीं अपन, जाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि दोनों बराबर बराबर टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो दोनों का निकल के आ रहा होगा। क्लियर है? चलो प्यारे बच्चों अगला सवाल पढ़ो जल्दी से, समय और काम का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जल्दी से। मैं कभी नहीं भूलता कि मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? मेरी आदत नहीं है बोलने की कि मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा, जब आप मेरी वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ये मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मध्य प्रदेश में SI की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे तरीके से या और भी कई तरीके से पेपर को सॉल्व कराया है। तो सब बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और मैं अच्छी अच्छी वीडियो और आपके सामने ला सकूं। समय और कार्य, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी कोई काम 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। वो कह रहा है सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले तीनों का क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों? LCM लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्क लेना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना मान लिया मैंने? 60 मान लिया। तो एक दिन का काम कितना आया इन दोनों का? 5, इन दोनों का 4 और इन दोनों का 3। ए और बी, बी और सी, सी और ए एक दिन में सब लोग मिलके 5 और 4 9 और 3 कितने काम करते हैं? 12 काम करते हैं। ये 12 काम किया ए और बी, बी और सी, सी और ए ने मिलकर। मतलब ए यहां भी काम कर रहा है और ए यहां भी काम कर रहा है, बी यहां सी के साथ काम कर रहा है, यहां एक बार ए के साथ काम कर रहा है, सी यहां ए के साथ काम कर रहा है और बी के साथ, मतलब ये तो डबल डबल काम कर रहे हैं। अगर ये लोग डबल डबल काम करके 12 काम कर रहे हैं तो अगर ये सिंगल सिंगल काम करते तो 6 काम करते कि नहीं करते? पूछ रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो ए अगर मुझे निकालना है तो बी और सी यहां से हटाने पड़ेंगे, और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। ये दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, ए एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो 4 और 2 कितने काम हो पाएंगे? 6। तो ए एक दिन में कितने काम करता है? 2। अगर ए को 60 काम करना है और एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन लेगा ए अकेला पूरे कार्य को समाप्त करने में। कितने दिन लेगा? 30 days, 30 दिन वो ले रहा होगा। चलिए फटाफट से अगला सवाल पढ़िए। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का क्वेश्चन है। बेटा अगर क्वेश्चन को आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब वीडियो या क्लास अपनी खत्म होगी तब आप धीरे धीरे उनको नोट कर सकते हो। एक कॉपी बना लो जिसमें वो बाहर लिख लो कि ओल्ड ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और सारे क्वेश्चन को साथ के साथ लिखते जाइए, या फिर स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो उसी की PDF निकाल लीजिए पूरे पूरे, ताकि आपको कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। बेटा अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, 256 की जो पावर है वो कह रहा है 0.16 है इंटू
16 की जो पावर है वो है 0.18, यही है। तो इसको हल करके बताओ ये किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो यार, करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो जो पॉइंट है ना ये मुझे डरा रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो मेरा आधा काम हो जाएगा। और 256 और 216 को अगर मैं छोटी फॉर्म में तोड़ लूं तो यहां भी मेरा काम हो जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस 0.16 को मैंने लिख लिया 16/100, और इस 0.18 को लिख लिया 18/100, और इनको कर दिया सिंप्लीफाई। 4 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 25 बार, ऐसे ही 2 से कट गया 9 बार और 2 से कट गया कितना 50 बार। अब मुझे पता है कि 256 कब होता है, जब 2 को मैं 8 बार गुणा करता हूं। जब 2 को अपन 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 256। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है 2 की पावर 4। तो इनको एक साथ रख दिया। देखो 256 को मैंने लिखा 2 to the power 8, और इस पूरे की पावर इसको लिख लिया 4/25 इनटू, इसको लिख लिया 16 को तो 2 की पावर 4, और इसको लिख लिया मैंने 9/50 9/50। अब जब ब्रैकेट अपन हटाएंगे तो दोनों घाते आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। 2 की पावर 8 × 4/25 इंटू 2 की पावर 4 × 9/50। आपने पढ़ा होगा जब आधार समान होते हैं तो दोनों की घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो दोनों की घातों को जोड़ दीजिए, 2 की पावर बेटा 8 × 32/25 गुणा में, सॉरी प्लस जोड़ेंगे ना दोनों पावर, प्लस 36/50। 25 और 50 का एलसीएम लो, या तो 25 मान लो या 50 मान लो, मैंने 50 आसान मान लिया। 25 से कट गया 2 बार तो 2 गुणा हो जाएगा 36 से, 32 से सॉरी 2 गुणा हो जाएगा 32 से, तो 32 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस 50 से 50 कट गया 1 बार और 36 एकम 36 होगा, और 64 और 36 कितने होते हैं 100, तो 2 की पावर 100/50। 50 से कट गया 2 बार तो भैया 2 की पावर जो 2 होगी वो किसके बराबर होगी, 4 के बराबर आ रही होगी। तो अपना आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 4। बी ऑप्शन अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा बी ऑप्शन। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला सवाल जो है वो है आपका HCF और LCM का क्वेश्चन, जो कि कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किसका है, HCF और LCM का आपका ये सवाल है। पढ़ो बेटा क्वेश्चन, पढ़ लिया, चलो जब तक पढ़ लो मैं इसको साफ कर देता। ठीक है, चलो। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 989 और 1327 में भाग देने पर 5 और 7 शेषफल बचेगा। अगर मैं किसी संख्या से 989 को डिवाइड करूं तो शेषफल बचेगा 5। अगर उसी संख्या से 1327 में भाग दूं तो शेषफल कितना बच रहा है, 7 शेषफल बच रहा है। तो कह रहा है कि वह संख्या बताइए क्या होगी, ये संख्या क्या होगी इन दोनों को भाग देने पर 5 और 7 शेषफल बचा रही। तो इसका लिंक डायरेक्ट इससे कोई नहीं है, इसका लिंक इससे नहीं है, इसका लिंक इससे नहीं है, क्योंकि अपन दो भाग लगा रहे हैं और दोनों अलग अलग संख्या है। लेकिन अगर मैं यहां पे जो संख्या होती है वो निकाल लूं और यहां पे जो संख्या होती है वो निकाल लूं, इन दोनों का आपस में ये लिंक है कि इसका पहाड़ा जब इतनी बार किया होगा तभी तो ये निकल के आया होगा, इन दोनों में आपस में ये लिंक है। तो 989 में से जब 984 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा।
1327 में से जब 1320 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपका 70 आ रहा होगा। अब यहां तो मैंने ले लिया 984 और यहां ले लिया मैंने 1320। इन दोनों को छोटी संख्याओं में बदलने के लिए अपन ने क्या कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। जब दोनों को माइनस करोगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी 320। दोनों को माइनस करोगे तो सॉरी कितना आ जाएगा, 324 आपका, 336 आपका आ रहा होगा। हाँ भाई उल्टा कर दिया, 336 अपना क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं वो देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 8, 32, 16 और 24। इन चारों ऑप्शन में से वो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है जो 336 को पूरा पूरा काट रहा है, इन चारों ऑप्शन में से वो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है जो 336 को पूरा पूरा काट रहा है, तो केवल और केवल 24 एक और ऐसा ऑप्शन है जो 36 को पूरा पूरा काट रहा होगा। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा निकालने का सिंपल और बेस्ट तरीका। ये दोनों निकाल लिए, कोई समस्या नहीं, दोनों का अंतर निकाल लिया, जो अंतर आए फिर ये चेक करो कि ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो इस अंतर को पूरा पूरा काट रही होगी, वही अपना क्या होगा आंसर। और वो क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी, जैसा कि उसने बोल रहा है, जैसे मान लो 8 काट देता, 16 काट देता, 24 काट देता, लेकिन 8, 16 और 24 में से बड़ा कौन सा है, 24। तो डायरेक्ट मैंने कितना लिख लिया, 24 लिख लिया। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल पढ़िए जल्दी से और आंसर बताओ कितना है। अगला सवाल आपका औसत एवरेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एवरेज औसत का सवाल। फटाफट से क्वेश्चन को रिपीट कर लो एक बार। बीस लड़कों का औसत वजन 89.4 है। 1, 2, 3, 4 वो कह रहे 20 लड़के हैं, इनका जो एवरेज है वो 89.4 है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक मान 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम अंकित किया गया। मान लो इनमें से कोई एक लड़का जो है वो 87 किलोग्राम का था, लेकिन उसको गलती से कितना लिख लिया, 78 लिख लिया। कोई लड़का 87 किलोग्राम का था, उसको गलती से कितना लिख लिया, 78 लिख लिया। मतलब कितने किलोग्राम वजन कम लिखा, 9 किलोग्राम वजन कम लिखा। तो जो 9 किलोग्राम वजन अपन ने कम लिखा है उसका प्रभाव डायरेक्ट किस पे पड़ेगा, औसत पे पड़ेगा, क्योंकि औसत निकालने के लिए भी तो इस लड़के को इस्तेमाल किया है। लड़के कितने हैं, 20 लड़के हैं। अगर 9 किलोग्राम का डिफरेंस इन 20 लड़कों को चुकाना है तो देखो 9 किलोग्राम अंतर को कितने लोगों में बांटना है, 20 लोगों में, अगर मुझे उत्तर को बराबर बराबर करना है। तो कैसे बांटोगे इसको, जब बांटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, लगभग कटेगा ये 0.4 टाइम्स। कितना कट जाएगा, 0.4 बार ये पूरा पूरा कट रहा होगा। अब अगर आपने 9 किलोग्राम वजन कम लिखा था, अगर मैं 9 किलोग्राम वजन बढ़ा दूं तो औसत तो मेरा नया और सही निकल के आ जाएगा। इस 9 किलोग्राम वजन को अगर 20 लोगों के हिसाब से बढ़ाओगे तो हर किसी के हिस्से में कितना आएगा, 0.4। इसका मतलब आपका जो वजन है वो 0.4 बढ़ जाएगा। न्यू एवरेज आपका जो होगा वो होगा 89.8 केजी। कर लिए सवाल, बहुत आसान क्वेश्चन था। आप कैसे करते सवाल को, पहले सभी का योग निकालते, योग में 9 की वृद्धि करते, फिर उसको 20 से भाग देते, तब जाके इतना निकल के आता। अपन ने निकाला कि अंतर कितने का, 9 का, कितने लोगों पे, 20 पे, तो 1 पे कितना, इतना बढ़ा दो। अगर आप उल्टा लिखते, 78 को 87 लिख लेते तो औसत कम कर देता, लेकिन अब आपने कम संख्या लिखी है इसका मतलब औसत आपका क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्लियर? चलो अगला सवाल पढ़ो भाई जल्दी से। सवाल है अनुपात का, अनुपात का समझ लो चाहे मिश्रण का समझ लो, एक ही बात है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः
2:1 है। कितना और अतिरिक्त पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात क्रमशः 1:2 हो जाए। वो कह रहा है कितना पानी और मिला दूं कि अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। वो कह रहा है मिल्क और वाटर, इन दोनों का जो अनुपात है वो है 2:1, ठीक है। और कितने लीटर का है, वो 60 लीटर का है जो कैपेसिटी है। टोटल जो आपके पास मिक्सचर है दूध और पानी का, वो कितने लीटर का है, 60 लीटर का है। इतना स्मार्ट अपने को होना चाहिए कि अगर दूध और पानी का अनुपात 2:1 है और टोटल कितना है 60 है, तो 60 को जब 2:1 में बांटोगे तो दूध 40 होगा और पानी कितना होगा, 20 होगा। इतना स्मार्ट अपने को होना चाहिए कि दूध अगर 40 है तो 20 होगा, दोनों का अनुपात 2:1 निकल के आया, टोटल कितना है 60 है। अब उसने कहा कि इसमें कितना और अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए, क्या मिला रहा है, वो पानी मिला रहा है। इसका मतलब दूध जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। यहां पे अपन कुछ पानी मिला देंगे तो यहां नया पानी निकल के आ जाएगा। वो कह रहा है अब दूध और पानी का अनुपात, जब अपन ने कुछ पानी मिला दिया तो कितना हो गया, 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:2। मतलब अगर 1:40 के बराबर है तो 2:1 किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। अगर 1:40 है तो 2:1 कितना होगा, 80 होगा। तो 20 लीटर पहले था, 80 लीटर पानी हो गया, तो इसका मतलब कितने लीटर का पानी मिला दिया, 60 लीटर पानी जब मिला दोगे तब जाके इन दोनों का अनुपात कितना हो पाएगा, 1:2 हो पाएगा। तो आंसर कितना निकल के आ गया, अगर मिश्रण में मैं 60 लीटर पानी मिला दूं तो दोनों का अनुपात 2:1 से कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ डालिए। सवाल है ट्रेन कॉन्सेप्ट, रेलगाड़ी का सवाल, ठीक है, जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन को। मैं एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बिल्कुल उचित समय दे रहा हूं आपको, इतना समय बहुत होता है सवाल को पढ़ने के लिए। ₹120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अरे यार सीधी सी है, स्पीड पूछ रहा है और स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक रेलगाड़ी कितने मीटर की है, 120 मीटर की। एक आदमी को पार करने में कितना समय ले रही है, 10 सेकंड का समय ले रही है, तो उसकी स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड आंसर निकल के आ गया। क्या करने की जरूरत थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी सवाल में, कितना निकल के आ गया बेटा आंसर अपना, 12 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन आपका सही था। अगला सवाल पढ़िए जल्दी से, समय ना खराब करते हुए। एक व्यक्ति ₹2,000 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है, 3 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा, ये पूछ रहा है, 3 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। देखिए अब सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन 1+ दर बटे 100 और इसकी पावर समय, क्लियर। मूलधन आपको दे रखा है कितना, ₹2,000, दर आपको कितनी दे रखी है, 5% की, और समय कितना दे रखा है, 3 साल का। यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, मिश्रधन निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये कि फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, दूसरा तरीका ये कि अपन एक मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे आपकी दर कितनी है 5% की, और 5% को जब तोड़ोगे तो कितना लिखोगे, 5/20, 5 × 5 और 5 × 20 कितना निकल के आ गया, सॉरी 5/100 माफ करना, 5/100, तो 5 × 5 और 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार। इस 1/20 का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को ₹20 उधार दिए हैं तो ₹1 का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो ₹21 वापस करना होगा।
और यही सवाल यही कॉन्सेप्ट कितने साल तक चलेगा? 3 साल तक, क्योंकि पैसा 3 साल के लिए दिया गया। दूसरे साल भी 20 से 21 हुआ, तीसरे साल भी 20 से कितना हुआ? 21 रुपए हुआ। इसका मतलब अगर आपने किसी को टोटल 8000 रुपए दिए हैं तो आपको 9261 रुपए वो क्या कर रहा होगा? वापस दे रहा होगा। एक तरीका करने का, यहां अपना मूलधन कितना निकल के आया? 8000 रुपए। लेकिन उसने 8000 रुपए तो मूलधन दिया नहीं था, मूलधन कितना दिया था भाई? 2000 रुपए मूलधन दिया। तो इसको किससे गुणा कर दूं कि 2000 आ जाए? तो अगर मैं इसको 1/4 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2000। अगर आपका मूलधन 1/4 गुना है, इसका मतलब 1/4 गुना क्या हो जाएगा? मिश्रधन होगा। 4 से काटोगे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 1, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, बच गया 2 बचा, 4 × 5 = 20, लगभग 2315 दशमलव कुछ आ रहा होगा आपका आंसर। क्लियर है? 2315 दशमलव, एक ही ऑप्शन दे रखा है, 2315.25, तो मैंने लिख लिया 2315.25 अपना क्या होगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और जल्दी से अगला सवाल पढ़िए। सवाल है अनुपात का और आसान सवाल है बिल्कुल। ए और बी का रेशो दे रखा है, ए और सी का रेशो दे रखा है, पूछ रहा है ए बी सी का रेशो निकाल के बताइए कितना होगा। ठीक है, कल वाली क्लास का पहला ही क्वेश्चन इस तरीके से था, बस संख्याएं अलग थी। वो कह रहा है ए का और बी का जो रेशो है वो बराबर है 2:1 के। ए का और सी का जो रेशो है वो है 1:3 के बराबर। अब यार एक बात बताओ, अनुपातों का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब किसी एक वैल्यू को दो बार रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। जैसे यहां a बराबर कितना है? 2, और यहां a बराबर कितना है? 1, तो इन दोनों को अपने को बराबर बराबर करना पड़ेगा। जिस वैल्यू को बराबर करना है उसको क्या करते हैं? बीच में अगर बगल रख लो b को और c को। अब मुझे बताओ b और a का अनुपात कितना है? 1:2 है, b का 1 है और a का कितना है? 2 है। अब बताओ ac का कितना है? ac का है 1:3, ac का है 1:3। सवाल को करने का तरीका, जो जगह खाली है उसमें पड़ोस वाला लिख दो 1, पड़ोस वाला लिख दो 2, और इनको कर दो आपस में आप लोग मल्टीप्लाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा अनुपात, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा अनुपात, 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा। ये आंसर नहीं है, आंसर पूछ रहा था आपसे a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो a अनुपात कितना है? 2, b अनुपात कितना है? 1, और c अनुपात कितना है? 6। तो आंसर आएगा 2:1:6 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका आ रहा होगा। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से पढ़ लो अगला सवाल। सवाल नंबर 15, 14 सवाल अपन ने पढ़ लिए हैं, सवाल नंबर कौन सा है? 15वें नंबर का अपना आज का सवाल है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो, चीनी का जो मूल्य है वो कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। अगर आप पहले 100 रुपए की चीनी खाते थे तो अगर आपको अब उतनी ही चीनी खानी है तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि खर्चा कितना करना है? अपरिवर्तित रहे, 100 रुपए ही खर्चा करना है, ज्यादा नहीं करना। इसका मतलब अब आप पहले से कितने रुपए की चीनी कम खाओगे? 20 रुपए की चीनी आप कम खाओगे। जो चीनी आपने 20 रुपए की कम खाई है वो कौन सी वाली कम खाई है? 100 वाली या 120 वाली? अरे भैया,
120 रुपए की चीनी हुई तभी तो कम खाई, 100 की होती दो तो नहीं खाता। प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुणा किया जाता है, 100 से, 20 से कट गया 6 बार, और 6 से जब इसको उड़ा दोगे तो 16 से ही 2/3% की कमी हो जाएगी आपकी खपत में। अगर चीनी का दाम 20% बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कि आपकी खपत में जो गिरावट हुई होगी वो कितने प्रतिशत की हुई होगी, 16 से ही 2/3% की आपकी गिरावट हो गई होगी। समझ पाए सवाल को? अगर समझ पाए तो अगला सवाल पढ़िए जल्दी से और बताइए कितना आंसर निकल के आया। अगला सवाल आपका किस चीज का है? अगला सवाल है आपका अनुपात का। करके बताओ भाई क्वेश्चन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा, फटाफट फटाफट जल्दी से बता दो एक बार आंसर। पढ़ो एक बार सवाल, आंसर मैं बता दूंगा। देखो वो कह रहा है दो लड़कियां हैं बाली और गीता, एक बाली है और एक गीता है, इन दोनों की उम्र प्रेजेंट में मैंने मान ली कि बी की उम्र इतनी है और जी की उम्र इतनी है, दोनों की वर्तमान से 5 साल पहले इन दोनों की आयु का जो अनुपात था वो था 3:4। मतलब अगर ये 3x साल की थी तो ये कितने साल की होगी, 4x साल की हुई। वर्तमान से 10 वर्ष बाद इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो आएगा 6:7। ठीक है, वर्तमान से 5 साल पहले इन दोनों की उम्र इतनी थी, वर्तमान से 10 साल बाद इन दोनों की उम्र इतनी होगी। जो भी कुछ पूछ रहा है वो अपन निकाल लेंगे। अब वर्तमान से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले और आज से 10 साल बाद, तो दोनों के बीच में 15 साल का अंतर हो गया। इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर हुआ, अगर आज इन दोनों की उम्र इतनी है तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 6 और 7। मतलब अगर इसमें 15 साल जोड़ दूं और इसकी उम्र में भी 15 साल जोड़ दूं तो इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, 6:7 के बराबर होगा। तो एक तो हो गया 3x+15/4x+15 इन दोनों का अनुपात कितना निकल के आएगा, 6/7, 6:7। कर लो यार इसको सॉल्व, आसान सवाल है। 7 से दोनों गुणा हो जाएंगे, 7 * 21 और 15 * 7 = 105, 6 * 24 x और 15 * 7 = 60। डायरेक्ट कर रहा हूं, 24 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा और माइनस का 3x बचेगा बराबर माइनस के 15 के, माइनस से माइनस, 3 से कट गया 5 बार, तो x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। x बराबर जब 5 रखोगे तो 5 * 3 = 20 कितने वर्ष का होगा, 15 वर्ष का, और g कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का। वर्तमान में 15 और 5 20 साल की होगी बी, और जी कितने साल का होगा, 25 साल का हो जाए, 25 साल की हो जाएगी जी। वो कह रहा है वर्तमान में दोनों की आयु में कितना अंतर है, वर्तमान में दोनों की आयु में कितना अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। ये अपना क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। सवाल को करने का सिंपल और बहुत अच्छा तरीका है कि दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया, 5 दोनों का अंतर निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल है एलसीएम और एचसीएफ का, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करके बताओ जल्दी से कितना आया, करके रख लो अपना फटाफट से। ठीक है, आसान सवाल है। वो कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ तो है कितना, 12। दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है, 12,
और दोनों का LCM जो है वो कितना है 72। अगर एक संख्या 60 है तो बताओ दूसरी संख्या कितनी होगी। देखो भाई, दूसरी संख्या ऐसी होगी जो 12 से 60 कट रही है तो 12 से भी कट रही होगी, और दूसरी संख्या ऐसी होगी जो इस 72 को पूरा पूरा काट रही होगी, जो इस 72 को, अगर दोनों संख्याओं का योग 60 दे रखा है, वो कह रहा है दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 60 है। ठीक है, मतलब इन दोनों संख्याओं से 72 कटेगा और 12 इन दोनों संख्याओं को काट रहा होगा, तो बताइए दोनों संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी या दोनों संख्याओं का अंतर कितना कितना होगा। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जो दोनों संख्याएं हैं आप उन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लो, अनुपात निकाल लो। मैंने मान लिया दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ए अनुपात बी होगा। अब यहां से आप उन दोनों संख्याओं को बना सकते हो। फॉर्मूला होता है अगर HCF को अनुपातों से गुणा कर दूं तो वो दोनों संख्याएं बन के आ जाएंगी। पहली संख्या हो जाएगी 12A और दूसरी संख्या हो जाएगी 12B। कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं 15 और 20, मैंने कहा आपसे इन दोनों का मुझे HCF निकाल के बताइए कितना होगा। तो आपने कहा कि सर दोनों का HCF कितना होगा, 5 एक ऐसी संख्या है जो 15 को भी काट रही है और 20 को भी काट रही है, तो मैंने दोनों को काट दिया, ये कट गया 3 बार और ये कट गया 4 बार। तो मैं ये कह रहा हूं दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4, HCF कितना है 5। अगर HCF को अनुपातों से गुणा कर दिया जाए तो दोबारा से वो संख्या निकल के आएंगी कि नहीं आएंगी, बिल्कुल निकल के आ जाएंगी दोबारा से वो संख्या। ऐसा ही मैंने दोनों संख्याओं का अनुपात मान लिया तो ये क्या होंगी, वो दोनों संख्या। दोनों संख्याओं का योग कितना है 60 है, तो 12A प्लस 12B बराबर किसके हो गया 60 के, तो A प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा 5। और दोनों संख्याओं का LCM कितना है 72। LCM कैसे निकालेंगे, दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 12 कॉमन आ रहा है, LCM है 72, दोनों में से कॉमन आ गया 12 और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो A इंटू बी बराबर किसके 72 के, तो 12 से कितनी बार कट गया 6 बार। A और B को जोड़ू तो 5 आए और गुणा करूं तो 6 आए, मतलब A बराबर 3 और B बराबर 2 रखना पड़ेगा, A बराबर 3 और B बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 12 3 36 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12 2 24। तो पहली संख्या अगर 36 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 24। एक बार दोबारा से रिपीट कर लो क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है। एक बार क्वेश्चन को वापस से आप रिपीट कर लीजिए। अगला सवाल है जी आपका ज्योमेट्री का, ज्यामिति का क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्यामिति का, पढ़ो एक बार सवाल को। सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन के डायग्राम पे, जो डायग्राम आपको दिया हुआ है। देखो डायग्राम किस तरीके से लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, ए बी सी डी इसमें दे रखे हैं, ए बी जो कि 90 है, सी और यहां पे है डी। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर एबीसी 90 हो, ये 90 हो, कोण ए बराबर 30 हो, कोण ए बराबर कितना हो 30 हो, तो एसीडी कितना होगा, एसीडी ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। देखो ये कितना है भाई 90 है, अगर मैं 90 और 30 दोनों को जोड़ दूं तो इसके बराबर निकल के आ रहा होगा 120 के आ जाएगा आंसर। इसकी वैल्यू इन दोनों के किसके बराबर होती है, योग के बराबर होती है। 9 और 3 12 आंसर कितना आ गया 120 आपका फट से आंसर निकल के आ गया। बहुत ही आसान सवाल था, कितना आंसर आ गया जी 120 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल पढ़ो।
फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। अगर एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, दोनों का अनुपात कह रहा है कि दोनों का अनुपात कितना है, 5:8 है। अगर पहली संख्या 5x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी। अब आगे क्या कहा उसने, आगे कहा कि उनका अंतर 48 है तो छोटी संख्या बताओ। इन दोनों का अंतर कितना है, 3x, और दोनों का अंतर किसके बराबर दे रखा है, 48 के। तो 3 से कितनी बार कट गया, 16 बार, तो x बराबर कितना हो गया, 16। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 16×5=80। छोटी संख्या पूछ रहा था तो छोटी संख्या कितनी हो गई, 80। आपको क्या निकल के आ गया, आंसर निकल कर आ गया 80। एक दो सवाल और भी हैं, लेकिन वो इस प्रकार के सवाल हैं, और भी सवाल हैं एक दो, वो इस प्रकार के सवाल हैं जो अपन ने सॉल्व कर लिए। जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है, आप करोगे तो आसानी से कर लोगे। जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये था अपना 27 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे 27 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कितने सवाल उस पे आएंगे, पूरा डिस्कशन होगा कल की क्लास में अपना, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।